तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखते हैं इसमें क्या है कि ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि देखो, एक द डेंसिटी इन साइड ए सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस आर है, मतलब एक सॉलिड स्पीयर है जिसकी रेडियस बेसिकली ये रेडियस ए है, ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है। डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नॉट ए अपॉन आर, मतलब डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है यार, ठीक है ना। तो रो नॉट इज द डेंसिटी, जब आर की वैल्यू, जब आर की वैल्यू जीरो है, ठीक है, और तो जो डेंसिटी है यहाँ पे तुम देखोगे कि नहीं, रो नॉट द डेंसिटी एट सेंटर, तो सेंटर पर कितना डेंसिटी है, रो नॉट है, ठीक है। तो ऐसा ही डिफाइन कर रहे हैं, तो सेंटर पर जो डेंसिटी है, सेंटर पर डेंसिटी वो रो नॉट है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे डेंसिटी आर डिनोट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर, यहाँ सेंटर से ये वाली डिस्टेंस, दिस वेरिएबल इज आर, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस आर है, सेंटर पे आर की वैल्यू जीरो है और इन्फिनिटी तक जाएगा। टू ए मतलब यहाँ से ये तो रेडियस हो गया, टू ए मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, दिस इज द पॉइंट टू ए, तो ये जो टू ए जो पॉइंट है, दिस डिस्टेंस इज टू ए, तो ये जो डिस्टेंस टू ए वाला है, इस पॉइंट पर कितना हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मिलेगी, फाइंड, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड मिस प्रिंट है तो आप इसको सही कर लेना, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड, एट ए डिस्टेंस टू ए फ्रॉम द सेंटर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को करने का जो बेसिक तरीका है वो है कि देखो, अब पूरा का पूरा ये जो पॉइंट है जहाँ पर हमें निकालना है, वो इस स्पीयर के बाहर में आएगा यार, इस स्पीयर के क्या है, पूरा का पूरा बाहर में आएगा। तो ये पूरा अगर मान लो इसके अंदर जो टोटल मास आया वो कैपिटल एम है, तो ये टोटल मास क्या होगा, पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। टोटल मास कैपिटल एम, मान लो स्पीयर का टोटल मास मुझे पता चल गया कैपिटल एम, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से पॉइंट जहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, वो डिस्टेंस है बच्चों टू ए पर है, तो यहाँ पर पॉइंट का फार्मूला लगा दो, तो यहाँ पर पॉइंट का फार्मूला लगा दो, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी एम ओवर डिस्टेंस आर का स्क्वायर होता है, तो जी एम, एम जो है टोटल मास ऑफ द स्पीयर टू ए डिस्टेंस में, और टू ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली देखोगे तो जी एम दैट इज फोर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो फोर ए स्क्वायर दिस इज नथिंग, बट इसको रिमेम्बर रखना है कि यही सोल्यूशन है, यही ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है, लेकिन हमें जो एम मास है, जो कैपिटल एम मास है, वो एक अननोन है यार, ये क्या है, अननोन है, ठीक है, दिस इज द अननोन, ग्रेविटेशनल मास कैपिटल एम इज अननोन। तो इस अननोन को मैं निकालूंगा, ठीक है। तो इस अननोन को निकालने के लिए मैं क्या कार्यक्रम करूं, क्या लॉजिक लगाऊं, तो वो आप समझना। तो यहाँ से मैं एक जनरल डिस्टेंस आर पर जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से एक जनरल डिस्टेंस आर पर जाता हूँ और एक सेल कंसीडर करता हूँ, ध्यान देना सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है, तो यहाँ से बहुत ही थीन एलिमेंट लोगे, जो जिसकी थिकनेस बहुत ही स्मॉल डी, हाँ ये डिफरेंशियल सेल होगा, ठीक है, ये थीन सेल है, जिसकी ये वाली जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है वो डी एक्स है, और ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, चलो मान लो वेरिएबल कंसिस्टेंट हो तो आर ही ले लो, ठीक है, तो ये वेरिएबल अच्छा रहे, कंसिस्टेंट है, तो ये जो वेरिएबल मैं आर ही ले लेता हूँ, तो ये जो ये आर है, तो इसकी जो थिकनेस है वो डी आर है। तो ये बात आपको समझ में आए, इस सेल को अगर मैं बाहर निकालता हूँ, इस सेल को अगर मैं बाहर निकालूँ, तो ये जो सेल है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, ये इस सेल की जो थिकनेस है वो कुछ, ये वाली जो थिकनेस है वो बेसिकली आर डिस्टेंस पर सेल है, और इसकी जो थिकनेस है प्यारे बच्चों, ये वो डी आर है, ठीक है। तो इसमें कितना मास आया होगा, मान लो डी एम मास आया होगा, तो टोटल मास का जो लॉजिक है, अगर मैं ऐसे छोटे छोटे सेल को जोड़ दूँ तो पूरा मास आ जाएगा, टोटल मास इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस डीएम,
ठीक है, इस छोटे से मास को मैं इंटीग्रेट कर दूं कहाँ से कहाँ, आर इज इक्वल टू जीरो टू आर इज इक्वल टू टू ए तक हमको लोगों को चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेट कर देता हूँ तो ये लॉजिक, तो ये हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा प्यारे बच्चों मास। दिस इज द बेसिकली टोटल मास ऑफ द स्फीयर जो हमें चाहिए। अब इस डीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मास जो डीएम हो जाएगा, मास डीएम, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम डीवी मल्टीप्लाइड बाई इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, पर इस सेल के लिए तो डेंसिटी क्या आएगा बोलो, इस सेल के लिए जिसकी थिकनेस डी आर है उसके लिए तो डेंसिटी कॉन्स्टेंट आएगा ना। तो अब इसको काट दोगे, इस सेल को काट दोगे तो इसके पास छोटा वॉल्यूम कितना आएगा, देखो ये अगर इसको काट दोगे तो ये एक कुछ थिकनेस का, हाँ ये जो इसका इसका वॉल्यूम ऐसे, तो ये इसका थिकनेस है 3 dBu, ये बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ये इसकी थिकनेस है डी आर, और ये इसकी जो ऊपर की जो सरफेस एरिया है वो कितनी होगी। तो ऊपर की सरफेस एरिया होगी, ये वाली जो सरफेस एरिया होगी वो हो जाएगी 4πr का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, इस छोटे से एलिमेंट जिसके पास कुछ थिकनेस है, यहाँ पे रुको और सोचो, थोड़ा सा रुको और सोचो, तो इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 4πr², और इसकी थिकनेस डी आर और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी जीरो। तो हम छोटा मास जो है वो निकालने में सक्सेस हो गए। तो अब इसको मैं अपना फार्मूला जो लगाऊंगा, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम की मतलब 4πr² और डेंसिटी रो डी आर और 0 to 2a मैं इंटीग्रेट कर दूं। तो डेंसिटी रो यहाँ पर दे रखे थे इन्होंने कि डेंसिटी कितना दिए थे, तो डेंसिटी दिए थे रो नॉट ए अपान आर, तो रो नॉट ए अपान आर, तो ये वाली जो डेंसिटी मैं यहाँ पे रखूँगा तो यह जाएगा 4πr² तो यह आ जाएगा रो नॉट ए अपान आर और यह आ जाएगा डी आर और यह आ जाएगा 0 to 2a। ठीक है, तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो कितना आता है, तो 4π ρ0a इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और ए आ जाएगा आर डी आर और 0 to 2a इंटीग्रेट हो गया। तो यहाँ से जो मिलेगा तो 4π ρ0a और इसका इंटीग्रेशन बनेगा r² / 2 और ये लिमिट गया 0 to 2a। तो ये जब लिमिट रखोगे तो 4π ρ0 और a, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4a² तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स कट गया। तो फाइनली जो टोटल मास आ जाएगा उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8π a और रो नॉट यहाँ से 8π a³ आ जाएगा, स्क्वायर उधर से आ जाएगा रो नॉट, दिस इज डिवाइडेड बाई, यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से 8 8π और के हमारे पास मिलेगा, दिस इज द फाइनली मास इनक्लोज्ड बाय दिस कैपिटल एम। तो इस कैपिटल एम का हमारे पास इतना मास आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल मास जो तुम देखोगे 8, और यहाँ से एक छोटा सा छूट गया है यहाँ पे वेरिएबल, तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा है, तो स्क्वायर चढ़ा है तो इसका जो इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ एक 4 भी आएगा प्यारे बच्चों, तो ये 4 मेरा छूट जा रहा था तो उसको मैं छूटने नहीं दूंगा, तो ये यहाँ से 4 और ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो फाइनल कंक्लूजन ये आया, तो 2π ρ0 a³ ये क्या है भाई, ये टोटल मास इन स्पीयर। ठीक है, जो 0 से लेके 2a तक सेल जो था जिसका वॉल्यूम हमने निकाला है तो उसका टोटल मास यही है। अब अगर हमें सिंपल सी बात है, लॉजिक है, टोटल मास पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सोल्यूशन इज ओवर, तो इसका मतलब ये हुआ जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है वो क्या थी भाई, जी एम ओवर 2a² था, तो ए आ जाएगा 1/4a² और जी कैपिटल जी चला आ रहा था और टोटल मास जो इंटीग्रेट करके लाए हो 2π ρ0 a³ है, तो भाई ये क्या हो गया, तो ये 2 ने 2 को काट दिया, तो फाइनली जो सोल्यूशन है वो कितना बना भाई, तो फाइनल सोल्यूशन जो सुंदर सा दिखेगा कैपिटल जी π ρ0 a³ डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द फाइनल ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस। आई होप कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो ये पूरे अच्छे से 3D व्यू आपको दिखा के मैं समझाया हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।